आलू और गोभी की रस्से वाली सब्जी की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे दो बड़े साइज के आलू को धोकर छिलका उतार लिए हैं और अच्छे से इसको बड़े बड़े शेप में थोड़ा काट लिए हैं, और एक बड़े साइज के प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटा सा गोभी जिसको गर्म पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दिए थे जिससे कि इसके ऊपर जो भी केमिकल या कीड़े वगैरह वो निकल जाए। यहाँ पे एक तेज पत्ता, एक सूखी मिर्च है और दो टुकड़ा दालचीनी, एक चुटकी खड़ा धनिया और खड़ा जीरा, ये हम फोरन में डालेंगे, और एक टमाटर का प्यूरी बना लिए हैं और कुछ ड्राई मसाले जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। पैन हमारा पहले से ही प्रीहीट हो रहा है, अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे जिससे कि आलू और गोभी अच्छे से फ्राई हो। ऑयल गर्म हो गया है, अब सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे जिससे कि तेल के छींटे बाहर नहीं आए। अब इसमें हम अपने गोभी को फ्राई करेंगे। यहाँ पे गोभी हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और सेम ऑयल में आलू को भी फ्राई कर लेंगे, आलू भी फ्राई करेंगे, इसे भी गोल्डन तक, ब्राउन होने तक हम फ्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आलू हमारा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज कटा हुआ डालेंगे, जब तक प्याज हमारा सॉफ्ट ना हो जाए तब हम मसाले के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे आलू और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें जाएगा हमारा टोमेटो प्यूरी और सभी ड्राई मसाले, इन सबके साथ अच्छे से 5 मिनट तक हम कुक कर लेंगे और लास्ट में गोभी को ऐड करेंगे। अब टमाटर और आलू अच्छे से कुक हो चुका है, अब इसमें हम गोभी ऐड कर देंगे जिससे कि गोभी के अंदर भी हमारा नमक मिक्स हो जाए, और 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे सब्जी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, अब गैस का फ्लेम थोड़ा हम हाई कर लेंगे और इसमें 1/2 कप के करीबन पानी ऐड करेंगे, और यहाँ पे सब्जी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। और फाइनली आलू गोभी की रस्से वाली सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।